नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा प्लस पर। टीम की ओर से मैं रमन मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय में पॉलिटी में आपको जो पॉलिटी है, राज व्यवस्था है, वहीं पढ़ा रहा हूं, यानी संसदीय व्यवस्था के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, भारतीय संसद के बारे में पढ़ रहे हैं। आज मैं संसद जिसके लिए बनाई गई है उस जो है प्रक्रिया पर बात करूंगा, यानी लॉ मेकिंग कैसे होती है, क्या क्या प्रोसीजर होते हैं संसद में, कोई जब विधि बनाई जाती है तो विधि पर क्या क्या जो है धीरे धीरे उनमें मतलब कार्य किए जाते हैं, उन सभी पर मैं आपसे बात करूंगा। कि कोई जब आपका जो है सदन में बिल आता है तो बिल पर कैसे कैसे उसमें उस प्रस्ताव पर चर्चा की जाती है, इन तमाम बातों से संबंधित आज मैं आपसे बात करूंगा। तो बहुत कंसंट्रेट होकर मेरे इस बात को, पूरे इस लेक्चर को देखना है, सुनना है, हर एक चीजों को बहुत ढंग से समझते हुए चलना है, ठीक है। यहां पर ये पूरा कॉन्सेप्चुअल है, यानी अगर यहां से प्रश्न पूछा तो प्रश्न का स्तर थोड़ा सा उच्च हो जाएगा तुरंत, ठीक है। अभी भी जो लोग इस 10+ कोर्स से जोड़ना चाहते हैं, डेली पीसीएस और डेली जो है पीडीएफ और क्विजेज लेना चाहते हैं, कि जो क्लास हो उसकी क्विज मिले, पीडीएफ मिले, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि 3 महीने का सब्सक्रिप्शन प्लान लेना है, जिसमें कि आपको हम हर एक कोर्स की पीडीएफ उपलब्ध कराएंगे, मतलब हर एक क्लास की। दिन में 4 क्लासेज होती हैं, 5 क्लासेज जो होंगी, जो भी होगा उसकी हर एक क्लास की आपको एक बढ़िया पीडीएफ दी जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात, लोअर मेंस में जो लोग एडमिशन लेना चाह रहे हैं वो इस नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, या व्हाट्सएप आप करिए लोअर मेंस, तो वहां से आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। जो हम लोगों ने लोअर मेंस के लिए आपका शुरुआत किया है बैच, इस लोअर मेंस के बैच में 2 तरीके के बैच हैं, ठीक। एक आपका क्रैश कोर्स है जिसमें हम 25 टेस्ट और साथ ही साथ हर एक टेस्ट का जो है सब्जेक्ट का मटेरियल दे रहे हैं, उसका नाम संजीवनी है, ठीक है। और दूसरा आपका जो है फुल कोर्स है जिसमें हर दिन आपका टेस्ट है, वीकली फुल टेस्ट है, 16 टेस्ट, 25 टेस्ट सीरीज होंगी, साथ ही साथ उसमें डेली आपको क्लासेज मिलेंगी सभी के, फुल लेंथ के आपके विषयवार पूरी पीडीएफ होगी, नोट्स होगी, सब्जेक्ट जो है फिर शॉर्ट नोट्स होगी, मतलब उसको बहुत विधिवत ढंग से चलाया जाना है लोअर मेंस में। तो जो लोग एडमिशन लेना चाह रहे, आप भले ही लोअर मेंस देने जा रहे हैं या नहीं देने जा रहे, लेकिन आप एडमिशन ले करके अपनी दिशा को काफी मजबूत कर सकते हैं। जो आपके आने वाले अन्य भाईगण हैं, मित्रगण हैं, जो जो है अगली पीढ़ी है कंपटीशन की, आप उससे ज्यादा एडवांस बन सकते हैं इस कोर्स में एडमिशन लगा, जो फुल आपका कोर्स है, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं बिना कुछ सोचे। बाकी लेक्चर्स आप सारे लोग देखते ही हैं, तो टीम के बारे में तो मुझे बहुत बताने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। टेस्ट वगैरह, डेमो टेस्ट लगा हुआ है, ऐप के माध्यम से जाकर के आप टेस्ट दे सकते हैं। संडे प्लस फ्री टेस्ट चलता है, उसको दे सकते हैं, बहुत सारे टेस्ट आपके फ्री लगे हुए हैं। तो बढ़ते हैं, आज आज हम पढ़ेंगे संसद में विधायी प्रक्रिया, जो आपकी हेडिंग होगी, यह हेडिंग होगी संसद में विधायी प्रक्रिया, मतलब जब आपका कानून बनाया जाता है तो उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। कोई भी आपका लॉ बनता है, कानून बनता है, तो सबसे पहले एक प्रस्ताव के माध्यम से सदन के किसी पटल पर पेश किया जाता है। वहां पर फिर जब यह प्रस्ताव, कोई बिल आपके किसी सदन के किसी पटल पर आ जाएगा, ठीक, चाहे आपका लोकसभा है चाहे राज्यसभा है, शुरुआत लोकसभा से ही होती है, तो वहां से इस पर जो है सबसे पहला यह प्रोसीजर बनेगा कि पेश होने पर, कुछ ऐसे बिल हैं जिन पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति चाहिए, लेकिन जो साधारण बिल हैं, अभी आगे मैं उन पर चर्चा करूंगा कि साधारण विधेयक और विशेष विधेयक जो होंगे, धन विधेयक जैसे, उनमें अंतर क्या होता है इन सारे विधेयकों में, ठीक है। तो इसको पहले पेश किया जाता है, कोई मंत्री पेश कर सकता, सदस्य पेश कर सकता, सभी के लिए अलग अलग चीजें हैं यहां पर। तो जब ये प्रस्ताव पेश होगा, कोई प्रस्ताव मान लीजिए आया सदन में, तो यहां से दूसरा जो इस पर कार्य बढ़ता है वह कार्य आपका यह होता है कि अब इस पर परिचर्चा प्रारंभ की जाती है सदन में, इस पर जो है चर्चा की जो है प्रारंभ हो जाती है। तो चर्चा जब प्रारंभ होना शुरू होगा तो धीरे धीरे यह विधेयक कई चरणों में पारित होता है, ठीक है। यह कई चरण से गुजरता है विधेयक, फिर अंतिम स्टेज में एक आपके सदन से यह पारित होकर के दूसरे सदन को भेज दिया जाता है, ठीक है।
एक सदन से पारित हो जाएगा, फिर दूसरे सदन को जाएगा, दूसरे सदन में भी जब यह कई चरणों से, कई चरणों की बहस से गुजरेगा, उसके बाद यह वहां से भी पारित होता है, फिर यह आपका पहुंच जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, यानी भारत के राष्ट्रपति के पास। जब भारत के राष्ट्रपति के पास यह आपका प्रस्ताव पहुंचेगा, तो वहां पर राष्ट्रपति देखता है, उसके समक्ष कई ऑप्शन मौजूद होते हैं कि जो बिल गया है वह बिल पर एक्शन कैसे ले। मैंने राष्ट्रपति की जो है विधायी शक्तियों में भी मैंने आपको यह सारी चीजें समझाई हैं, बताई हैं कि राष्ट्रपति के सामने जब कोई प्रस्ताव आता है तो राष्ट्रपति के सामने कौन कौन से ऑप्शन खुले होते हैं, वह क्या क्या उस प्रस्ताव के संबंध में जो है कर सकता है, उन सारी चीजों पर मैंने बहुत विधिवत ढंग से आपको प्रेसिडेंट में पढ़ाया है। तो जब राष्ट्रपति के सामने कई ऑप्शन मौजूद होते हैं, वह उस बिल को जैसा समझता है अगर मंजूरी दे दे रहा तो वह जो बिल है वह अब आपका लॉ बन जाता है। तो ये जो लॉ बना, आपका एक्ट बना, कानून बना, ठीक, ये जब बन जाता है और ये कानून बना, सिर्फ ये नहीं लागू हुआ, ये इनफोर्स आपका कानून तब होता है, कानून लागू आपका तब होगा भारत में जब या द गजेट ऑफ इंडिया में प्रकाशित हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो गजेट होता है पेपर में आपने देखा होगा, भारत का राजपत्र, जब उस समय प्रकाशित होता है तब कोई भी कानून भारत में लागू होता है, इन्फोर्स होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। भारत में कानून तभी लागू होता है, राष्ट्रपति के बाद हस्ताक्षर के बाद वह कानून बनता है, लेकिन लागू तब होगा जब भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाता है, आम जनमानस को जब उसकी सूचना दी जाती है तब वह कानून लागू होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए, अब ये जो कानून आपका लागू हुआ जैसे ही भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ, तो यहां वाली जो प्रक्रिया है आपके सदन में आने और इन सारी चीजों को, अब इनको हम समझते हैं विधिवत ढंग से, एक एक करते हुए। मैंने समरी आपको बताई है, ठीक है, कि कैसे कैसे क्या क्या प्रोसीजर आज हमें पढ़ना है, क्या क्या चरण है। अब इसमें थोड़ा सा विशेष हम और चीजों को जानते हैं जहां से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं और थोड़ी सी समझ भी आप में विकसित होगी। संसद में विधायी प्रक्रिया मैंने बताया है कि आज का आपका पॉइंट है, हेडिंग है, विधायी प्रक्रिया संसद के दोनों सदनों में संपन्न होती है, ठीक। एक सदन में विधेयक मान लीजिए वह पारित हुआ, पास हुआ, तो वहां से दूसरे सदन को भेजा जाएगा, दोनों सदन इसमें होते हैं। प्रत्येक सदन में हर विधेयक समान स्तर पर पारित होता है, ठीक। संसद में पेश होने वाले विधेयक दो तरह के होते हैं, एक तो आपका सार्वजनिक विधेयक हो गया, सार्वजनिक मामलों का विधेयक हो गया, ठीक। दूसरा जो होता है यह निजी विधेयक होता है, प्राइवेट होता है, इस बात पर गौर करिएगा। एक सार्वजनिक विधेयक होता है, एक निजी विधेयक होता है, दो तरीके के विधेयक संसद में पेश किए जाते हैं। संसद में प्रस्तुत विधेयकों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। जो आपके बिल होते हैं, ठीक, विधेयक होते हैं, इनकी चार श्रेणियां बनाई गई हैं संसद में। कौन कौन सी हैं? समझिए, विधेयक चार तरीके के होते हैं। एक आपका जो बोला जाता है यह होता है साधारण विधेयक। साधारण विधेयक मतलब वित्तीय विषयों के अलावा अन्य सभी विषयों से संबद्ध विधेयक साधारण विधेयक कहलाते हैं। मतलब ये अगर कोई फिनांस सब्जेक्ट्स है, फिनांस रिलेटेड कोई इश्यूज है, उनसे छोड़कर, उनको छोड़कर, ठीक, कोई भी इसका विषय है, वह सभी विषय साधारण विधेयक के अंतर्गत होते हैं, सिंपल लॉ के बिल के अंतर्गत आते हैं, समझ गए। बस उसमें वित्त संबंधी कोई भी चीजों का विवरण नहीं होना चाहिए। दूसरी बात करते हैं, दूसरा होता है धन विधेयक। अगर वित्त के बारे में, फाइनेंस के बारे में बात किया गया, धन के बारे में बात किया गया, तो वह वित्त विधेयक होता है। यह विधेयक वित्तीय विषयों जैसे करारोपण से संबंधित हो गया, टैक्सेशन हो गया, लोक व्यय हो गया, ठीक है, इत्यादि से संबंधित जो विधेयक होते हैं, बिल होते हैं, वह आपके मनी बिल कहलाते हैं, धन विधेयक कहलाते हैं। तीसरा जो होता है वित्त विधेयक। अब आप कहेंगे सर जी ये तो धन विधेयक ही बताया, वित्त विधेयक, भैया धन और वित्त एक ही बात है, ठीक, ये भी विधेयक वित्तीय विषयों से ही संबंधित होते हैं, बस इनका विभाजन किया गया। अब धन विधेयक और वित्त विधेयक में थोड़ी सी अंतर आगे पर चर्चा होगी। अगला है संविधान संशोधन विधेयक। अब संविधान संशोधन विधेयक, इसके बारे में तो मैंने बहुत पहले भी आपको पढ़ा दिया है, ठीक, भाग पांच पढ़ाने से पहले मैंने संविधान संशोधन बताया था। यह जो विधेयक होता है यह संविधान के प्रावधानों में संशोधन से संबंधित होता है और इसी को हम अमेंडमेंट जो है बिल बोलते हैं।
तो चार तरीके के विधेयक हो गए, इनको आपने समझ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो साधारण विधेयक होता है, साधारण विधेयक अगर आप सदन में आया है तो वह सदन में कैसे पारित होगा, इस पर परिचर्चा अब हम करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले प्रथम वाचन जो है प्रारंभ होता है किसी विधेयक पर, जो पहला वाचन प्रारंभ होगा, साधारण विधेयक संसद के किसी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता, ठीक, या विधेयक मंत्री या सदस्य किसी के द्वारा भी प्रस्तुत किया जा सकता, चाहे मंत्री करे कोई, ठीक, चाहे आपका कोई सदस्य करे, कोई भी इसको संसद में पेश कर सकता है। जब कोई सदस्य सदन में या विधेयक प्रस्तुत करता है, करना चाहता है, तो इससे पहले सदन को इसकी अग्रिम सूचना देनी पड़ती है। ठीक है, सदन को जब कोई सदस्य पेश करना चाहेगा सिंपल आपका बिल, तो सदन को पहले सूचित करना पड़ता है कि मैं फला बिल सदन के पटल पर रखना चाहता हूं, सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। विधेयक का प्रस्तुतिकरण एवं उसका राजपत्र में प्रकाशित होना ही प्रथम वाचन कहलाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रथम वाचन यह प्रक्रिया होती है कि विधेयक का प्रस्तुतिकरण किया गया, उसका राजपत्र में प्रकाशित हुआ, यह प्रथम वाचन होगा। ठीक, दूसरी बात, द्वितीय वाचन का प्रारंभ होता है। इस चरण में प्रवर समिति द्वारा, प्रवर समिति के बारे में मैंने जो है संसद की समिति, आगे जब हम बात करेंगे तो वहां पर मैं, इसके बाद वाला जो टॉपिक होगा वहां पर प्रवर ये समितियों के बारे में मैं आपसे परिचर्चा करूंगा अगली क्लास में, कि संसद में कौन कौन सी समितियां होती हैं। तो जो प्रवर समिति होती है इसके द्वारा विधेयक की समीक्षा की जाती है। ठीक है, इस चरण में विधेयक को अंतिम रूप प्रदान किया जाता है। विधेयक के प्रस्तुतिकरण की दृष्टि से यह सबसे महत्वपूर्ण चरण है। वास्तव में इस चरण के तीन उपचरण होते हैं जिनके नाम साधारण बहस की अवस्था, प्रवर जो है समिति द्वारा जांच, एवं तीसरा है विचारणीय अवस्था। तीन अवस्थाओं से उस विधेयक को द्वितीय चरण में गुजरना पड़ता है, और यहां से पारित होने के बाद फिर उसके बाद क्या बनता है, उसके बाद इसमें जो प्रक्रियाएं लिखी हैं उनको भी समझ लीजिए कि साधारण बहस की अवस्था क्या है। साधारण बहस, विधेयक की प्रिंटेड जो प्रतियां होंगी सभी सदस्यों के बीच में वितरित कर दी जाती। सामान्यतया विधेयक के सिद्धांत एवं प्रावधानों पर चर्चा की जाती है। ठीक, कि इस विधेयक से अगर मान लीजिए किसी चीज की स्थापना होनी है तो किस सिद्धांत पर हो रही है, इन सारी चीजों को पर जो है वहां चर्चा होती है। लेकिन विधेयक विस्तार से विचार विमर्श यहां नहीं किया जाता है, बस उसके प्रिंसिपल सिद्धांत को देख लिया जाता है कि उसका सिद्धांत है क्या, समझ गए। अब समित की जो है अवस्था, प्रवर जो आपकी समित होती है वह जब जांच करती है तो उसमें भाई क्या आता है, इसको समझिए। सामान्यतया विधेयक को सदन की एक समित को सौंप दिया जाता है। ठीक, यह समित विस्तार पूर्वक विधेयक के समस्त प्रावधानों पर विचार करती है, लेकिन वह इसके मूल विषय में परिवर्तन नहीं करती है। जो इस मूल विषय के अंतर्गत उस विधेयक को लाया गया, कि विधेयक में जो जो प्रावधान लिखे गए हैं उसमें वह परिवर्तन नहीं करेगी। समीक्षा यानी जांच एवं परिचर्चा के उपरांत समित विधेयक को वापस सदन को सौंप देती है कि हमारा कार्य पूरा हो चुका है, अब आप जाने। अब विचार विमर्श की अवस्था आती है, जब फिर समिति ने इस विधेयक को फिर से सदन को सौंपा तो सदन उस पर विचार विमर्श करना प्रारंभ करता है। समिति से विधेयक प्राप्त होने के उपरांत सदन भी विधेयक के समस्त प्रावधानों की समीक्षा की जाती। विधेयक के प्रत्येक प्रावधान पर पृथक पृथक रूप से चर्चा एवं मतदान होता है, और इस अवस्था में सदस्य संशोधन भी प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, और यदि संशोधन स्वीकार हो जाते हैं तो विधेयक का हिस्सा बन जाते हैं वो संशोधन आपके। अब दूसरे वाचन में तीन जब स्टेप गुजरता है वह विधेयक, तो अब जो है दूसरा वाचन पूरा होता है, वह तीसरे वाचन के चरण में पहुंचता है। यहां पर क्या होता है तीसरे वाचन में, इस चरण में केवल विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार करने के संबंध में चर्चा होती है, कि विधेयक को स्वीकार किया जाता है या विधेयक को अस्वीकार किया जाता है, तथा विधेयक में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। यदि सदन का बहुमत इसे पारित कर दे तो विधेयक पारित हो जाता है वहीं पर। ठीक, तीसरे चरण में कोई विधेयक पारित होता है, इस बात को नोट कर लेना, दिमाग में रख लेना, विधेयक तीसरे चरण चरण में जो है पारित होगा। अब जब तीसरे चरण में विधेयक पारित हो गया, तीन चरणों से गुजर गया, तो अब यह दूसरे सदन में जाएगा। जब दूसरे सदन में यह जाता है विधेयक, तो एक सदन से पारित होने के बाद दूसरे सदन में भी विधेयक पर प्रथम द्वितीय एवं तृतीय वाचन होता है। तीन वाचन वहां पर भी चलेंगे, दूसरे सदन में भी चलेंगे। ठीक,
इस संबंध में दूसरे सदन के समक्ष चार विकल्प होते हैं। एक सदन ने पारित किया, दूसरे सदन के समक्ष जब विधेयक जाता है तो उसके समक्ष चार विकल्प मौजूद होते हैं, वह उन पर चार तरीके के एक्शन ले सकता है। कैसे? वो क्या कर सकता, इस विधेयक पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही न करके उसे लंबित रख सकता है दूसरा सदन। अगला वह स्टेप क्या ले सकता, यह विधेयक को बिना संशोधन किए पारित करके प्रथम सदन को विचारार्थ भेज सकता है। ठीक, वो कोई संशोधन ना करे, पारित करके फिर से भेज दे कि भैया हो गया हमारे तरफ से काम। तीसरा स्टेप वह यह ले सकता है कि ये वह इस विधेयक को पारित कर प्रथम सदन को भेज दे सीधा सीधा। ठीक, उसमें पहले वाले में विचार करने के लिए भेजे, और तीसरा जो इसमें ऑप्शन है यह है कि वह सीधा पारित करके दे दे कि भैया सब कुछ फाइनल। और चौथा जो स्टेप होता है कि वह विधेयक को अस्वीकार कर सकता है। ठीक, यह पावर दूसरे सदन को होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो बहुत सारे मामले ऐसे आपने इधर सुने होंगे परिचर्चा में, मोदी गवर्नमेंट ने कई पर अध्यादेश के द्वारा उसको क्या किया, उस पर विधि बनाई। ठीक, क्योंकि दूसरे सदन में राज्यसभा में वह विधेयक पारित ही नहीं हो रहा था। ठीक, तमाम रुकावटें आ रही थी, तो मोदी गवर्नमेंट ने सीधा सीधा उसको अध्यादेश के द्वारा, एक विधि के द्वारा निर्मित कर दिया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति की स्वीकृत विधेयक तो पारित हो गया, अब राष्ट्रपति की स्वीकृत मिलनी है भैया। जब संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृत के लिए भेजा जाता, इस समय राष्ट्रपति के समक्ष तीन प्रकार के विकल्प मौजूद होते हैं। ठीक, अब राष्ट्रपति के समक्ष तीन विकल्प होगा, दूसरे सदन के समक्ष चार विकल्प होता है, राष्ट्रपति के समक्ष तीन विकल्प हैं। कैसे? पहला वो क्या कर सकता, पुनर्विचार हेतु विधेयक को सदन को वापस लौटा दे कि भैया इस विधेयक पर पहले आप फिर से पुनर्विचार कर लीजिए, जो इस कानून को आप निर्मित करने जा रहे हैं वह कानून सब कुछ फिट है आपका। एक तो काम यह कर सकता, एक्शन ले सकता, दूसरा एक्शन विधेयक को स्वीकृत दे सकता है। ठीक, राष्ट्रपति क्या करे, विधेयक को स्वीकृत दे दे कि भैया हाँ ये लाओ, बन गया कानून, बन गया विधि, बन गया। तीसरा क्या कर सकता, विधेयक को अपने पास रोक ले, जिसको आप जो है वीटो पावर के रूप में मैंने आपको पढ़ाया है, वह कर सकता है, वो विधेयक को अपने पास रोक सकता है। या फिर क्या करे, राष्ट्रपति विधेयक को स्वीकृत दे देता है तो यह कानून बन जाएगा, किंतु यदि राष्ट्रपति इसे अस्वीकार कर देगा तो यह निरस्त या समाप्त तो हो जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यदि राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार हेतु सदन को वापस भेजता है और सदन ठीक संशोधन करके या बिना संशोधन किए उसे राष्ट्रपति के पास दोबारा भेजता, तो राष्ट्रपति इस पर मंजूरी देने के लिए बाध्य है, यह सवाल पूछा गया है। अगर पुनर्विचार के लिए वापस भेजा गया विधेयक पुनः सदन के द्वारा पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति उसे मानने के लिए मजबूर है। ठीक, उसे देना ही देना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, धन विधेयक क्या होता है बहुत अच्छे से समझिएगा। ठीक है, मनी बिल के बारे में सबसे पहले तो पूछता है धन विधेयक का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 110 ठीक 110 अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार कोई विधेयक तब धन विधेयक माना जाएगा, मतलब धन विधेयक की परिभाषा क्या होती है, जब उसमें निम्न वर्णित में से एक या अधिक या समस्त प्रावधान होंगे। ठीक, कौन कौन से प्रावधान उसमें आएंगे तब उसको हम धन विधेयक बोलेंगे। समझिए, कहता है कि इनमें से संबंधित किसी विषय पर आकस्मिक विचार हो, दूसरा कहता है केंद्रीय सरकार द्वारा उधार लिए गए धन का अगर उसमें विनियमन दर्शाया गया है तो वह क्या होगा, वह आपका बनेगा धन विधेयक। अगली बात, भारत की संचित निधि या आकस्मिता निधि की का अगर अधीक्षण करना है तब भी बात मनी बिल के अंतर्गत होगा। इन निधियों से किसी प्रकार के धन का आहरण या निकासी अगर होनी है तो वह मनी बिल कहलाएगा, धन विधेयक कहलाएगा। अगली चीज, भारत की संचित निधि पर भारत किसी व्यय की उद्घोषणा या इस प्रकार के किसी व्यय की राशि में वृद्धि अगर हो करनी है तो वह विधेयक आपका धन विधेयक के अंतर्गत आएगा। भारत की संचित निधि से धन का अगर विनियमन हो रहा है तो भी वह जो है वित्त विधेयक कहलाएगा, धन विधेयक कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो ये चार चीजें आपकी हैं जिनको ध्यान रखिएगा कि मनी बिल कोई कब बोला जाता है, उसके लिए शर्तें हैं भैया। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद
भारत की जो संचित निधि है या सार्वजनिक लेखों में से किसी प्रकार के धन की प्राप्ति या अधिक्षण या इनसे व्यय या इनका केंद्रीय राज्य की निधियों का लेखा परीक्षा ठीक, या फिर किसी कर का आरोपण करना है, टैक्सेशन हो गया, संग्रहण हो गया, परिवर्तन करना है या समाप्त करनी है, तब भी ये उसी के अंतर्गत होगा। यद्यपि कोई विधेयक धन विधेयक नहीं माना जाएगा, क्यों? वो तो धन विधेयक मानने के कारण है, लेकिन नहीं माना जाएगा क्यों? अगर उसमें किसी स्थानीय निकास द्वारा स्थानीय प्रयोजनों हेतु किसी कर का आरोपण, संग्रहण, परिवर्तन या निरस्तीकरण की बात कही गई हो तो वह धन विधेयक नहीं माना जाएगा। ठीक, धन विधेयक के संबंध में लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम निर्णय होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यह पूछा है, लोकसभा के अध्यक्ष का जो निर्णय होगा वह धन विधेयक के संबंध में अंतिम निर्णय होता है, वही डिसीजन लेता है कि यह विधेयक धन विधेयक है, यह विधेयक धन विधेयक नहीं है। यह पूछा भी है सवाल। और जो अनुज्ञप्ति होती है यानी लाइसेंस के शुल्क हेतु अनुदान है तो वह आपका क्या होगा? धन विधेयक नहीं होगा, वह बिल आपका धन विधेयक नहीं होगा। और तीसरी बात, अगर किसी प्रकार के अर्थदंड या जुर्माने की बात कही गई है उस बिल में तो भी वह बिल मनी बिल के अंतर्गत नहीं आएगा। इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से समझना। अब मैंने बताया था कि आपको आगे मैं बताऊंगा कि साधारण विधेयक तथा धन विधेयक में क्या अंतर होते हैं। ठीक है, चलिए समझिए। धन विधेयक जो होता है इसे केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है, याद रखिएगा, यह सवाल पूछा है। ठीक, धन विधेयक केवल आपका लोकसभा में ही पेश होगा। जो साधारण विधेयक है इसके बारे में मैंने बताया, किसी भी सदन में पेश कर दीजिए। धन विधेयक लोकसभा में केवल किसी मंत्री के द्वारा ही पेश किया जा सकता है, इसके लिए कंडीशन यह है। जो साधारण विधेयक है इसे मंत्री के अलावा अन्य सदस्यों के द्वारा भी पेश किया जा सकता है। अगली बात, धन विधेयक को राष्ट्रपति की अनुशंसा प्राप्त होने पर ही पेश किया जा सकता है। इसको पेश करने से पहले राष्ट्रपति की हमें पूर्व मंजूरी जरूरी होती है। और जो साधारण विधेयक है इसके लिए राष्ट्रपति की अनुशंसा की कोई आवश्यकता नहीं है। समझ गए? इस विधेयक को राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकार नहीं किया। अब इसमें समझिए, जो आपका धन विधेयक होगा इस विधेयक को राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकार नहीं किया जा सकता, इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा। ठीक, अगर लोकसभा ने पारित करके इसको राज्यसभा को भेजा है तो वह कुछ सुझाव दे सकती है, ठीक, जिन्हें स्वीकार या अस्वीकार करने की शक्ति लोकसभा के पास है। राज्यसभा ये कह सकती कि इसमें यह सुधार होना चाहिए, ठीक, सुझाव देगी, लेकिन लोकसभा वो चाहे तो सुने चाहे तो ना सुने, कोई मतलब नहीं है। अगली बात, जो साधारण विधेयक होगा इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकार किया जा सकता है। सिंपल, आपका जो बिल होगा वो राज्यसभा चाहे तो स्वीकार करे या अस्वीकार कर दे, मतलब संशोधित करे या अस्वीकार कर दे, दोनों पावर उसको है। आगे बढ़ते हैं, जो आपका धन विधेयक है इसे राज्यसभा द्वारा अधिकतम 14 दिनों तक अपने पास रोक कर रखा जाता है, नहीं तो अपने आप इसको पारित मान लेते हैं। और साधारण विधेयक को लोग जो राज्यसभा है या अधिकतम 6 महीने तक अपने पास रख ले, कोई मतलब नहीं है उसका। धन विधेयक, इस विधेयक को राज्यसभा में भेजने के लिए क्या चाहिए? लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति आवश्यक है। अगर धन विधेयक राज्यसभा में भेजा जा रहा तो लोकसभा का अध्यक्ष पहले उस पर अनुमति देगा, लेकिन जो साधारण विधेयक है इस विधेयक को राज्यसभा में भेजने के लिए लोकसभा के अध्यक्ष की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, इस बात को समझिएगा। अगला, धन विधेयक को केवल लोकसभा से पारित होने के बावजूद भी राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जा सकता, ठीक, ऐसे विधेयक के लिए संसद के दोनों सदनों की बैठक की आवश्यकता नहीं है। मनी बिल पर कोई बैठक जरूरी नहीं है दोनों सदनों की, ठीक, लोकसभा से हो गया भैया, राष्ट्रपति पास भेज दो, राज्यसभा बैठे जाओ। अगली चीज है, जो साधारण विधेयक है इस विधेयक को राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए तभी भेजा जा सकता जब यह दोनों सदनों में पास हो जाए। यह संसद के दोनों सदनों में इस विधेयक को लेकर गतिरोध है तो राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, इस बात को याद रखिएगा। साधारण विधेयक पर संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी, ज्वाइंट सेशन बुलाया जाएगा, लेकिन अगर धन विधेयक है तो उस पर ज्वाइंट सेशन बुलाने का कोई प्रावधान नहीं है। आगे बढ़ते हैं, धन विधेयक लोकसभा में पास नहीं हो पाता तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? अगर कोई धन विधेयक है लोकसभा में वह पास नहीं हो पाया तो ऐसी स्थिति में पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक,
पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है सारी की सारी, क्योंकि भैया पारित कब नहीं होगा, जब तुम्हारे ही मेंबर तुम पर बिलीव नहीं करेंगे। ठीक, आप तो मेजॉरिटी में बैठे पार्टी है, और जो सिंपल विधेयक है, सिंपल बिल है, अगर इस विधेयक को किसी मंत्री द्वारा पेश किया गया हो और यह लोकसभा में पास हो गया, नहीं हो पाता, तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लोकसभा में ध्यान रखना है, लोकसभा में कह रहा है। आगे बढ़ते हैं, इस विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता, लेकिन पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेजा जा सकता। ठीक, धन विधेयक है भैया, जब राष्ट्रपति महोदय से हमने अनुमति ली है कि हम धन विधेयक पेश करना चाह रहे हैं, तो राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए किस बात के लिए वापस करेगा बताइए? जब हमने आपसे पहले ही पूछ लिया कि हम आपसे जो है बात करना चाह रहे हैं, तो वहां पर यह थोड़ी कह सकते हैं कि हम आपसे बात नहीं करेंगे, हमने तो पहले अनुमति दे दी है। ठीक, अब वो कर सकते हो, लेकिन यहां पर जो है चीजें नहीं है। अगली चीज है, इस विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है एवं पुनर्विचार के लिए भी वापस भेजा जा सकता है, जो सिंपल बिल होता है। समझ गए? तो ये सारी प्रक्रियाएं थी जिनके बारे में हमने जाना कि धन विधेयक साधारण विधेयक में अंतर क्या है। अब आगे बढ़ते हैं, जो वित्त विधेयक होता है, ठीक, वित्त विधेयक निम्न तीन प्रकार के होते हैं, इस चीज को समझ लीजिए। जैसे मैंने वहां पर चार प्रकार बताए थे कि धन विधेयक होता, वित्त विधेयक होता है, तो इसको समझो। धन विधेयक का वर्णन किसमें? अनुच्छेद 110 में है, आर्टिकल 110, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जो वित्त विधेयक है, ठीक, इसका वित्त विधेयक पहले प्रकार का, इसका जो है व्याख्यान अनुच्छेद 117(1) में किया गया है। ठीक, और जो वित्त विधेयक दूसरे प्रकार का होता है, यह अनुच्छेद 117 के तीसरे भाग में है, ध्यान रखिएगा। तो तीन तरीके के होते हैं जो मैंने वहां पर आपको बताया था। आगे बढ़ते हैं, इस वर्गीकरण के अनुसार सभी धन विधेयक वित्त विधेयकों की श्रेणी में आते हैं। जितने धन विधेयक होंगे वह वित्त विधेयक की श्रेणी में आएंगे, लेकिन यह जरूरी नहीं कि वित्त विधेयक आपके धन विधेयक की श्रेणी में हो। समझे? रीजनिंग वाले आप लोग जो है विद्यार्थी हैं। अब आगे बढ़ते हैं, यद्यपि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, किंतु सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। केवल वह वित्त विधेयक ही धन विधेयक होते जिनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 110 में किया गया। ठीक, धन विधेयक को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा परिभाषित किया जाता है। वित्त विधेयक प्रथम तथा द्वितीय की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 117 में की गई है। अगर आपसे पूछ ले वित्त विधेयक की चर्चा किसमें की गई, तो आप कह दें कि 110, तब तो गया, 117 याद रखिएगा। ठीक, अब दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ज्वाइंट सेशन जो होता है, ये किन मुद्दों पर बुलाया जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, किसी विधेयक पर अवरोध की स्थिति में संविधान द्वारा संयुक्त बैठक की एक असाधारण व्यवस्था की गई है, यह निम्नलिखित तीन में से किसी एक परिस्थिति में बुलाई जाएगी। ऐसे सवाल पूछता है जहां आपके दिमाग का ट्रायल करना होता है, वहां सवाल डाल देता है कि निम्न में से किस जो है शर्त अवस्था में संसद की जो है ज्वाइंट सेशन को बुलाया जाएगा। ये ऐसे चार ऑप्शन आपके सामने रख देगा, वहां पर आपको समझना होता है कि ये चीजें आपकी कैसी कैसी हैं। देखिए, पहले चीज, यदि विधेयक को दूसरे सदन द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया हो, अगर विधेयक को दूसरे सदन ने अस्वीकृत कर दिया है, तो वहां पर भी क्या होगा, ज्वाइंट सेशन बुलाने का प्रावधान हो सकता है। इस चीज को आप बहुत अच्छे से समझिएगा। ठीक है, यहां पर आपका ज्वाइंट सेशन बुलाने का प्रावधान किया जा सकता है। ठीक, इसको समझ लीजिए। दूसरी बात, यदि सदन विधेयक में किए गए संशोधनों को मानने से असहमत है, ठीक, जो विधेयक में संशोधन किए जा रहे उससे सदन अगर असहमत है, तब भी ज्वाइंट सेशन बुलाने का प्रावधान है। तीसरी बात, दूसरे सदन द्वारा बिना विधेयक को पास किए 6 महीने से ज्यादा समय हो गया, क्योंकि 6 महीने ही रोक सकता, 6 महीने से ज्यादा टाइम हो गया, तो वहां पर भी क्या होगा, वहां पर भी वह विधेयक आपका ज्वाइंट सेशन के द्वारा पारित होने के लिए फिर से राष्ट्रपति क्या करेगा, बुलाएगा दोनों सदनों को। उपरोक्त तीन परिस्थितियों में विधेयक को निपटाने और इस पर मत देने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। उल्लेखनीय है कि संयुक्त बैठक साधारण विधेयक या वित्त विधेयक पर ही लागू है, इस बात को याद रखना। ठीक, साधारण विधेयक या वित्त विधेयक पर, धन विधेयक पर और जो है संविधान संशोधन विधेयक पर लागू नहीं है। समझे?
मैंने बताया इससे पहले भी। तो इससे आगे संसद में बजट के बारे में कल हम परिचर्चा करेंगे कि संसद में जो बजट पेश होता है इसके क्या क्या प्रोसीजर होते हैं, कैसे होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस पर परिचर्चा करेंगे कल। आज के लिए जितनी चीजें मैंने बताई उम्मीद है बहुत ढंग से समझ में आई होगी कि कोई भी बिल पास कैसे होता है सदन से। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, संसद में कैसे बजट पेश होता है उन पर चर्चा के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।